कल्कि 1898 एडी। तो इस मूवी में अभी होने ये वाला है, काफ़ी सारी फैन थ्योरीज बन रही है कि कल्कि को लेके आखिर कल्कि है कौन, और कल्कि आखिर मूवी में बनेगा कौन, और कल्कि का रोल कौन करेगा, प्लस कल्कि का रोल कौन करेगा, क्या सुप्रीम यास्किन ही कल्कि बनेगा, या फिर वो कल्कि का फादर होगा, या फिर वो कल्कि को जन्म देगा, या फिर कल्कि को वो क्रिएट करेगा, या फिर वो कल्कि को पावर्स देगा। आखिर सुप्रीम यास्किन है कौन मूवी के अंदर, और सुप्रीम यास्किन का पास्ट क्या है, इसको लेके काफ़ी सारी फैन थ्योरीज इंटरनेट पे यूट्यूब पे बन रही है। ठीक है, इस बारे में हमें ज़्यादा तो कुछ मूवी में नहीं दिखाया गया कि सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन। तो सुप्रीम यास्किन बेसिकली एक साइंटिस्ट तुम लोग बोल सकते हो कि ऐसे वर्ल्ड में, ऐसे जनरेशन में वो इतना खतरनाक लेवल का साइंटिस्ट है कि उसने इतना सुप्रीम, अपने आप को सुप्रीम लेवल पे बना के रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सारे दुनिया को ख़त्म करके, या इंसानों ने अपने आपस में फाइट करके, एक वॉर छेड़ के एक दूसरे को, पूरा एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को ही तबाह कर दिया है, ऐसा उसका कहना है। तो वो इस चीज़ को चेंज करने के लिए मूवी का जब लास्ट 40 मिनट का जब क्लाइमैक्स था, उस क्लाइमैक्स में दिखाया गया कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है सुप्रीम यास्किन एक सीरम लेता है जो कि सुमति के पेट से निकाला गया था, एक बूंद सीरम। वो सीरम को इंजेक्ट करता है अपने बॉडी में, और अपने बॉडी में जैसे ही वो इंजेक्ट करता है, उसको चार हाथ आ जाते हैं, उसके पीठ के पीछे में जो चार पाँच सर्कल जो रोटेट कर रहे होते हैं, फ्लोटिंग वाले सर्कल, वो फ्लोटिंग वाले सर्कल उसके बॉडी में ज्वाइन हो जाते हैं, एंड ज्वाइन होने के बाद में उसके चार एक्स्ट्रा आर्म निकल आते हैं। जैसे कि तुम फोर आर्म्स, बेंटन में फोर आर्म्स के तुम चार हाथ देखते हो, ठीक वैसे ही चार हाथ उसके निकल आते हैं, आर्टिफिशियल हाथ, आर्टिफिशियली बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली, उसके ह्यूमन बॉडी वाले आर्टिफिशियल हाथ नहीं थे वो, उसके आर्टिफिशियल हाथ थे वो। ह्यूमन बॉडी के हाथ अलग होते हैं, स्किन की होती है, उसके अंदर बोन होता है, मतलब हड्डी होती है, एंड भी कई तरह के मसल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होती है, बट वहाँ पर मैं वैसा नहीं था। जब कमल हसन का जो कैरेक्टर है सुप्रीम यास्किन, वो जब उस चीज़ को, ड्रॉप को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है, सीरम के एक ड्रॉप को, जैसे ही वो इंजेक्ट करता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है, जो उसके जख्म थे, जो सर पे चोटी थी, वो भी काफ़ी हद तक हील हो जाती है, एंड उसका जो बुढ़ापा था, जो स्किल पे झुरिया आ रखी थी, वो भी काफ़ी हद तक वो जवान हो जाता है। तो इससे हम लोग काफ़ी क्लियर तौर पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कल्कि जो कैरेक्टर होगा, जो आगे जाके 50 साल बाद में, 50 साल मतलब कम से कम 30-20 साल का तो गैप लगेगा ही उसको उस एज में आने में कि वो वॉर लड़ सके, प्रॉपरली फाइट कर सके, तो कम से कम 20-30 साल का और हमें गैप देखने को मिलेगा कल्कि को बड़ा होने में। तो कल्कि वर्सेस कल्कि जो है, कल्कि को भी थोड़ा सा डेवलप होने में टाइम लगेगा, और हमें मूवी में अभी भी तक क्लियर नहीं किया गया कि असली मेन विलन है कौन इस मूवी का। इस मूवी का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का आखिर विलन है कौन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, और कल्कि कंफर्म कौन है ये अभी भी क्लियर नहीं है। सुप्रीम यास्किन कल्कि बनेगा ये अभी भी कंफर्म नहीं है। सुप्रीम यास्किन हो सकता है कि कल्कि को जन्म देने वाला हो, या फिर सुप्रीम यास्किन अपने फैमिली मेंबर में कोई, जो उसका बेटा होगा वो कल्कि होगा, उसको बचाने के लिए अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो पावरफुल बनने के लिए, ताकि वो बच्चा पैदा करे, ऐसा बच्चा पैदा करे जो आगे जाके कल्कि बनेगा, यानी वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयर। तो वो हो सकता है वहाँ पर ऐसा कुछ हो, बट हमारे बहुत सारे माइथोलॉजी पुराणों में लिखा हुआ है कि कल्कि इज नॉट अ ह्यूमन, वो जन्म लिया है, वो जन्म हुआ ही नहीं है बेसिकली, वो कोई एंटिटी नहीं है, वो समय के शुरुआत से है, जिसको बेसिकली उसका एक समय है, जैसे कलयुग बोला जाता है, तो कलयुग कल्कि कल्कि का ही समय है, और उसमें कल्कि भगवान का अवतार होना ही है कल्कि को हराने के लिए, और वापस से सतयुग से वापस से रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पर में जो कल्कि है, कल्कि का कलयुग ख़त्म करने के लिए कल्कि भगवान को आना है। तो कल्कि जो है उसका ये युग है, और उसका ये टाइम पीरियड है, उसी का ही पूरा राज है, और उसी का ही ये सब कुछ है।
तो यहाँ पर मैं इस मूवी में अभी तक कली को मेंशन नहीं किया गया, और कली एग्जैक्टली कौन है या कली का क्या पावर्स है, क्या है वहाँ पर डोमिनेंस है, उसके बारे में कोई भी मूवी में हिंट क्लियरली नहीं दिया गया। सब लोग बस यही नाम ले रहे थे कि कल्कि भगवान का अवतार होगा, मतलब भगवान आ रहे हैं, भगवान जन्म लेंगे, इसके बच्चे के पेट के अंदर के भगवान हैं, भगवान अवतरित होंगे, बस ऐसा ही वहाँ पर मैं डायलॉग को यूज़ किया गया है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया। तो अभी इस फैन थ्योरी पे आते हैं हम लोग कि कल्कि भगवान कैसे जन्म लेंगे, शंबाला में जन्म लेने वाले हैं, शंबाला तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर जन्म कैसे होगा, ये भी बहुत सारी फैन थ्योरी है। और जिस तरीके से जो सुप्रीम यास्किन ने अपने उस गांडीव को, जो गांडीव धनुष है, उस धनुष को उठा लिया था, अब जो गांडीव धनुष है वो भगवान शिव जी के तौर पे से अर्जुन को मिला था महाभारत में, और अर्जुन के तौर पे से वो गांडीव जो है वहाँ पर मैं लास्ट जो हिस्ट्री थी गांडीव की, वो गांडीव थी महाभारत में। तो महाभारत के बाद में से लेके अभी तक जो कल्कि 2098 AD का जो समय दिखाया गया है, उस समय में जो गांडीव मिला वो वैसा का वैसा ही इतने लंबे समय से वहाँ पर ज़मीन के अंदर दफन था, जो कि सुप्रीम यास्किन के कुछ चमचों को या उसके आर्मी वालों को वो मिल जाता है, कहीं से पता नहीं कैसे, लेकिन वो मिल जाता है। और वो उसको सुप्रीम यास्किन लास्ट मूवी के एंड क्रेडिट सीन में, या तुम बोल सकते हो कि लास्ट मूवी के एंड में, वहाँ पर मैं वो गांडीव को उठा लेता है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि गांडीव को वो किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, और वो गांडीव को क्यों उठा पाया, वो तो वो सीरम के एक ड्रॉप से ही उठा लिया, अदरवाइज वो अगर विदाउट सीरम के हाथ लगाता तो शायद वो मर सकता था या जल जाता। बेसिकली वो गांडीव किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को या विलन को या किसी भी अनजान व्यक्ति को हाथ नहीं लगाने दे रहा था, उसी को सिर्फ वही उठा सकता है जिसके अंदर में विष्णुदेव का या फिर भगवान का कोई अवतार हो, वही हाथ लगा सकता है जो गांडीव को उठाने लायक हो। जैसे तुम थॉर को म्यूनिर समझ सकते हो, थॉर का जो म्यूनिर होता है उसके लिए जो वर्दी होगा वही उसको उठा पाएगा, अदरवाइज जो उसके लिए काबिल नहीं है उसको वो हाथ नहीं लगा सकता, उठा तक नहीं सकता। ठीक यही प्रिंसिपल यहाँ पर मैं फॉलो किया गया है गांडीव के लिए, जो कि अर्जुन का धनुष था। अब उस धनुष को टक्कर देने के लिए एक और वेपन का नाम मूवी में लिखाया गया है, वो लिया गया है विजय धनुष। विजय धनुष कर्ण के पास था, और प्रभास का जो कैरेक्टर है वो कर्ण है, कर्ण का वंश बोल सकते हो या कर्ण का अवतार बोल सकते हो, जो कि कल्कि के टाइम पर है और कल्कि की मदद के लिए है। यहाँ पर मैं जब कली को मारना होगा या कली को डिफेट करना होगा तो वहाँ पर मैं सात चिरंजीवी की मदद लेनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पर मैं कर्ण का भी एक अंश या वंशज बोल सकते हो, वो यहाँ पर मैं जन्म लिया हुआ है, वो भी कल्कि अवतार का मदद करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस मूवी में कंसेप्ट दिया गया है डायरेक्टर के थ्रू, और ये डायरेक्टर का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ विजन है जिस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है।